So today we will study about electric force. The electric force. Agar if there are two charges, Q1 and Q2, and if distance from their center is R. तो इलेक्ट्रिक फोर्स इट कैन बी पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव. तो फोर्स जो है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो ये है, तो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of charges and force is inversely proportional to square of distance between their centers. तो ये याद रखना है, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं, तो यानी सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होता है. तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हो जाता है वो K इंटू मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. और K की वैल्यू जो होती है तो K बराबर 1/4πε0 और ये वैल्यू हो जाएगी 9×10⁻⁹ इंटू यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. तो ये तो यूनिट होती है इसकी SI में. CGS में यूनिट क्या होती है? हमने पहले बताया था कि चार्ज की जो है CGS यूनिट क्या होती है. तो यही बच्चों को नहीं याद आता, चार्ज की वैसे यूनिट ये क्या हो जाती है? कूलम. तो ये चार्ज की यूनिट कूलम, ये होती है SI यूनिट. और CGS यूनिट जो होती है स्टैट कूलम. और इनमें रिलेशन क्या होता है? 1 coulomb = 3×10⁹ स्टैट कूलम. और ये जो प्रोपोर्शनलिटी और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी. तो ये हो जाता है इन फ्री स्पेस या एयर. तो इसकी वैल्यू होती है 8.85×10⁻¹2. तो इसी को पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती. तो अब ये जो है इसकी CGS यूनिट क्या होगी? तो CGS यूनिट में अगर हम निकालेंगे तो ये देखो ऐसे, तो ये 9×10⁹. अब न्यूटन की CGS यूनिट क्या हो जाती है? डाइन. तो डाइन में 1 newton = 10⁵ dyne. और ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये हो जाता है 100. तो यानी ये 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये C. और यहाँ पे कूलम की CGS यूनिट हो जाती है स्टैट कूलम, और स्टैट कूलम हो जाएगा ये 3×10⁹ इसका यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू स्टैट कूलम. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3, 9 और 3 square 9 ये कट जाएगा. यहाँ 10⁹ और ये 10⁹ 18 और यहाँ पे भी 10⁹18. तो ये वैल्यू आ जाती है 1. तो यहाँ पे ये जो है K की वैल्यू जो हो जाती है 1 और इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम का होल स्क्वायर. तो ये है यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी, ये SI में है और ये है CGS में.
तो ये फोर्स किसी भी दो चार्जेस के बीच में हम ऐसे निकालते हैं, तो मेन ये है। तो अब ये दोनों पे, अब ये नेचर ऑफ फोर्स वो डिपेंड करता है कि ये चार्ज कैसे है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो भी वो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी अगर ये जो चार्जेस हैं ये Q1 Q2, तो Q1 Q2 अगर ये या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव है, तो फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा दोनों में, रिपल्सिव। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इस पे फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। तो ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकालते हैं ये दोनों के बीच में फोर्स। अब जैसे ये क्वेश्चन देते हैं कि अगर इस पे ये है यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम और ये दूसरा ये है यहाँ पे 6 माइक्रो कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस ये है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो इस पे फोर्स क्या होगा। तो ये फोर्स जो होगा, अब ये दोनों ही क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो Q1 जो है ये यहाँ पे पॉजिटिव प्लस 10 माइक्रो है और Q2 ये भी है यहाँ पे प्लस 6 माइक्रो कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस R जो है ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20/100 meters, तो यानी 1/5 meters। तो बस ये सब अब हो गई वैल्यूज कन्वर्ट, तो अब हम डायरेक्टली फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला जो है ये वही 1/4πε0 × Q1 Q2 r2, तो इसी में पुट कर देंगे, 1/4πε0 की वैल्यू ये हो जाती 9 × 10⁻⁹ और Q1 है यहाँ पे 10 × 6 और माइक्रो होता 10⁻⁶ यानी 10⁻½ अपॉन ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस है यहाँ पे 1/5 इसका होल स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9×6 = 54 × 25 × 10⁻⁶ ये हो जाएगा यहाँ पे -2, तो 10⁻², यानी ये 54 × 25 अपॉन ये लिख सकते हैं 100, तो ये कट जाएगा तो ये 4, तो ये आ जाएगा 27/2 यानी 13.5, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, इतने न्यूटन। और यहाँ पे दोनों ये जो फोर्सेस है ये पॉजिटिव है, तो यानी नेचर फोर्स का क्या होगा, रिपल्सिव। और ये जो फोर्स होगा तो ये दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा पर उल्टा, यानी 6 माइक्रो जो है 10 पे लगाएगी इतने ही का फोर्स, तो ये और ये जो है 10 माइक्रो 6 पे लगाएगा ऐसे, तो ये दोनों की वैल्यू जो है ये इसी के बराबर है।